भाई मेजर किट नाम है इसका, ये चेंज करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है भाई, ये खराब हो चुका है तो इसे नया लगाना पड़ेगा। इसलिए ब्रेक जो है ना, डिस्क ब्रेक कभी कभी लूज हो जाता है। सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल मोटो 85 राइडर। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी का जो टाइम है ना भाई, लगभग 1 बज चुका है। आज जो है जुमा है, तो आप लोग को हमारे तरफ से जुमा मुबारक। तो गाइज, अभी जो आप लोग को पता ही होगा कि अभी रमजान चल रहा है भाई, और रमजान में जो है ना भाई अभी टाइम वगैरह नहीं बच पा रहा है, तो इसीलिए जो है ना आज बहुत दिन बाद ये ब्लॉग शूट करने को मिला है। वो भी आज जो है ना थोड़ा गाड़ी का सर्विस वगैरह कराना है, और आज बहुत सारा काम है भाई। तो ऐसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि रमजान में टाइम नहीं बचता है, और आज जो है ना नमाज अदा करने के बाद जस्ट चलेंगे मार्केट। मार्केट में थोड़ा बहुत काम है, फ्रूट वगैरह लेना है, और बाइक का सर्विस भी कराना है भाई, कि बहुत दिन हो गया सर्विस कराया हुआ है, कब से सर्विस मांग रहे हैं, लेकिन अभी टाइम ही नहीं बच रहा है इसलिए नहीं करा रहा हूँ। तो अभी जा रहा हूँ सर्विस कराने के लिए, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। एक बार आप लोग लॉकी का व्यू चेक कर लो भाई, इसमें जो है ना भाई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है डिस्क का। जो है डिस्क ब्रेक है ना, कभी कभी लूज हो जाता है यार, कभी कभी ये ब्रेक फेल हो जाता है, ऑटोमेटिक पकड़ता ही नहीं है बराबर, और थोड़ा बहुत जो है ना साउंड भी आता है इसका इंजन से। तो ये सब आज चेक करवाना पड़ेगा, और ऐसे भी टाइम हो चुका है भाई, तो चलिए यहाँ से चलते हैं फटाफट। सो गाइस, अपना लॉकी में जो है ना भाई देख रहे हो, ये स्पीड मीटर जो है ना भाई, ये भी कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी नहीं करता है यार। अभी देख रहे हो स्पीड मीटर दिखा रहा है, कभी कभी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है यार। तो ये सभी चेक करवाना होगा भाई, और क्या प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम पता नहीं यार। अब इंजन में क्या क्या हो रहा है यार, साउंड वगैरह भी आ रहा है। तो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं पहले नमाज अदा करने के लिए जुमा का, जो कि मस्जिद मीना में नमाज अदा करेंगे। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे हम लोग, गाड़ी का शोरूम में जाएंगे, इसका सर्विस वगैरह कराने के बाद। मार्केट में थोड़ा बहुत काम है, जो आप लोग को अभी पता ही होगा भाई, जो कि अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो अभी जो है ना भाई काम बहुत ज़्यादा है यार। काम तो बहुत ज़्यादा नहीं, काम तो उतना ही है, बट टाइम नहीं बच पाता है, जो कि आप लोग को पता ही होगा भाई। तो अभी मस्जिद के पास आ चुके हैं, यहाँ पर जो है ना भाई बाइक पार्किंग लगाना है भाई पहले। A few moments later. सो फाइनली गाइस, अभी जो है ना हम लोग नमाज अदा कर लिए, अब यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट बाइक शोरूम में। अब यहाँ से जो है ना हम लोग को फटाफट निकलना है। क्या जी? क्या समझा रहा है? हाँ बैठ। सो गाइस, अब यहाँ से हम लोग अभी निकल रहे हैं भाई। सो फाइनली गाइस, हम लोग जुमा का नमाज अदा कर लिए, अब यहाँ से हम लोग अब डायरेक्ट निकल रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ से बाइक शोरूम में, जो कि अपना लॉकी का जो है ना भाई सर्विस कराना है, फुल सर्विस बहुत दिन बाद। और अभी देख रहे हो धूप, एकदम कड़क सा धूप है यार। तो अभी यहाँ पर हम लोग को अभी 55 सेकेंड वेट करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर कभी चालू रहता है, कभी बंद रहता है, क्या है यहाँ का सिस्टम भाई पता ही नहीं चलता है। और देख रहे हो धूप, एकदम कड़क सा धूप है भाई साहब। धूप जो है ना अभी रमजान के महीना में, गर्मी बारिश भी नहीं हो रहा है यार। बारिश होता तो थोड़ा ठंडा हो जाता मौसम, अब जो है ना इतना गर्मी लग रहा है ना भाई बेंगलोर में भी, क्या बताऊँ यार। और ये कार वाले भैया को देखो, खुजली मचा हुआ है। अभी 30 सेकेंड और वेट करना, और ये धीरे 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 देख रहे हो, देख रहे हो इसको खुजली मचा यार। 10 सेकेंड ये लोग वेट नहीं कर सकते। और ये वीडियो जो है ना भाई बहुत दिन बाद शूट कर रहे भाई, जो कि क्या बताऊँ, रमजान अभी स्टार्ट हो चुका है, तो रमजान में टाइम नहीं मिल पाता है भाई। आज मुश्किल से टाइम निकाला हूँ, वो भी बाइक का सर्विस कराना था इसीलिए, जो कि अपना बाइक भी जो है ना भाई बहुत दिन से सर्विस मांग रहा था भाई, बट क्या करें, आज मैं सोचा था कि चलो आज अपना लॉकी को सर्विस करा ही देता हूँ। और अपना लॉकी में जो है ना काफ़ी ज़रा प्रॉब्लम है भाई, क्या क्या बताऊँ यार। चलो आप लोग को दिखाते हैं, इसका मीटर भी प्रॉब्लम है यार, कभी कभी मीटर काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। यहाँ से अभी फुल पावर में निकलना है भाई हम लोग को। ओए होए 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 भाई, धूप जो है ना भाई काफ़ी ज़रा कड़क है यार, और गर्मी तो गर्मी। ओह हो, बंदे को देख रहे हो ये रिएक्शन। ओह हो, भाई साहब मिरर में देख रहे हैं, साइड नहीं दे रहे यार अंकल।
मिरर में देख रहा है कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, बट साइड ही नहीं हो रहा है। ओए होए होए क्या बात है भाई साहब, ओहो अंकल। तो फाइनली गाइस देख रहे हो यहाँ पर मैकेनिक आ चुका है, अब अपना बाइक का काम स्टार्ट होगा भाई। बहुत देर वेट करना पड़ा यार, अब चलिए देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। और भाई अभी जो है रमज़ान का महीना चल रहा है भाई, वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा यार, तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, टाइम वगैरह नहीं बचता है। तो आज जो है ना भाई कैसे भी टाइम निकाल के अपना लौकी का आया सर्विस करवाने के लिए, अब देखते हैं और कितना टाइम लगता है। देख रहे हैं बंदा जो है ना अभी अभी खाना खा के जस्ट आया है। भाई मेजर किट नाम है इसका, ये चेंज करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है भाई, ये ख़राब हो चुका है तो इसे नया लगाना पड़ेगा। इसलिए ब्रेक जो है ना डिस्क ब्रेक कभी कभी लूज हो जाता है। और ये सही है ना, ब्लैक हो गया, ये क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना। ये सही है, इसको बस क्लीन कर देगा, बट ये जो है ना भाई मेजर किट ये चेंज करना पड़ेगा। देख रहे हो पूरा, देख रहे हो डिस्क ब्रेक पूरा खोल दिया है, यहाँ पर देख रहे हो पूरा अभी खुला हुआ है, पूरा का पूरा खोल दिया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रोसेसिंग रहता है नहीं रहता है। और एक और जो प्रॉब्लम है मीटर का, तो मीटर का जो भाई साहब बोला है वो तो सही हो जाएगा, क्योंकि मीटर का यहाँ पर एक सेंसर आता है वो चेक करना पड़ेगा, वायर वगैरह देख रहे हो यहाँ पर है। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रोसेसिंग है इसका। देख रहे हो एयर फिल्टर वगैरह साफ किया जा रहा है, अब और कितना टाइम लगेगा पता नहीं यार। 527 भी हो चुका है भाई, और अभी तार का भी टाइम होने वाला है। देख रहे हो अभी व्हील इसका निकाला गया, और यहाँ पर जो है ना भाई एक नॉट रहता है, तो चेन पॉकेट का जो बोल्ट आता है वो जो है ना स्लिप हो रहा था भाई, इसलिए जो है ना भाई चेन बार बार जो है ना लूज हो रहा था, वो अभी नया लाने के लिए। 2 hours later अभी 7:04 हो चुका है भाई, अभी अभी मैं मगरिब का नमाज भी पढ़ के आया हूँ, और अभी देख रहे हो अभी बाइक रेडी हुआ यार। तो बाइक का जो ना भाई लेट होने वाला था, इसलिए मैं इसका दूसरा बाइक लेकर के चले गए थे मगरिब का नमाज पढ़ने के लिए, और रोजा भी खोला था, और अपना हेलमेट वगैरह देख रहे हो उधर ही लगाया। तो अब जो है ना ये अपना बाइक रेडी हुआ है यार। भाई ये जो है ना भाई देख रहे हो, ये पत्ती जो मॉडिफाई करवाए थे उस टाइम जो लगाया था, तो ये थोड़ा जंग पकड़ रहा है इसमें, इसलिए इसमें कलर करवा देते भाई ब्लैक स्प्रे। गाइस स्प्रे मार रहा है यार, देख रहे हो ये बंदा बहुत लेट कर दिया यार। देख रहे हो अपने लौकी एकदम कचा कच चमक रहा है यार। तो अब चलिए अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो भाई अभी हम लोग अब जा रहे हैं वापस अपना बाइक में, जो है ना भाई टोटल कॉस्ट जो है ना भाई बोलूँ तो 1700 लगा है भाई। तो बस ये ब्लॉग अब यहीं पे एंड करेंगे, अगर ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब तक मिलते हैं छोटे से ब्लॉग के बाद अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।